अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं और उस फ़ोन में आपको एक धमाकेदार कैमरा चाहिए, यानी उस फ़ोन में कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, तो बस आप ये वीडियो देखें, आपको वो फ़ोन मिल जाएगा। दोस्तों, तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। आज जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं वो फीचर के हिसाब से तो सही ही है और कैमरा के हिसाब से काफ़ी धमाकेदार है, तो बने रहे इस वीडियो में अंत तक। दोस्तों, आज हम 3 ऐसे प्रोडक्ट लेके आए हैं जो आपको आपके बजट के अनुरूप भी मिल जाएगा और उसका कैमरा क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं आज वो 3 प्रोडक्ट। पहला जो प्रोडक्ट है वो है मोटोरोला G60, जिसका प्राइस है 14,999 रुपये, और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है रियलमी 9, जिसका प्राइस है 14,499 रुपये, और जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है इन्फिनिक्स नोट 12 प्रो 5G, जिसका प्राइस है 14,999 रुपये, और तीनों की रेटिंग आप खुद ही देख लीजिए। चलिए तो इसके कुछ और भी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो स्टार्टिंग के 2 फ़ोन हैं उसमें आपको 6GB रैम मिलता है, और जो लास्ट का जो आप इन्फिनिक्स का फ़ोन है उसमें 8GB रैम मिलता है, और तीनों की स्टोरेज कैपेसिटी की बात की जाए तो तीनों में 128GB रोम आपको मिल रहा है, और तीनों की अगर स्क्रीन साइज की बात की जाए तो 7.22 सेंटीमीटर आपको मोटोरोला में मिल रहा है, वहीं 16.26 सेंटीमीटर आपको रियलमी 9 में मिल रहा है, और वहीं 7.2 सेंटीमीटर आपको इन्फिनिक्स में मिल रहा है। अब बात करते हैं अपनी जो आज की स्पेसिफिकेशन पे रिलेटेड है, कैमरा क्वालिटी। तो 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा आपको तीनों में मिल रहा है, जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, और फ्रंट कैमरा आपको मोटोरोला में 32 मेगापिक्सल मिल रहा है, वहीं 2 अन्य प्रोडक्ट में आपको 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा मिल रहा है। और बात करते हैं प्रोसेसर की, तो तीनों में एक धमाकेदार प्रोसेसर है। पहला में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि 2.3 GHz प्रोसेसर है। वहीं बात कर लेते हैं सेकेंड प्रोडक्ट की, तो उसमें भी आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन मिल रहा है, जो कि 680 ऑक्टा कोर है, 2.4 GHz का प्रोसेसर है, और जो तीसरा है वो है मीडिया टेक डायमेंसिटी, जो कि आपको अधिकतर 5G फोन्स में मिलेगा, आप वही इसमें भी आपको प्रोसेसर दे रही है कंपनी। बात करते हैं बैटरी बैकअप की, तो 6000mAh की बैटरी आपको मिल रही है मोटोरोला में, वहीं 5000mAh की बैटरी आपको अन्य 2 प्रोडक्ट में मिल रही है। दोस्तों, तो इसके और भी स्पेसिफिकेशन की बात हम कर लेते हैं। देख सकते हैं आपको तीनों में डुअल सिम का ऑप्शन मिलता है, और मोटोरोला में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, वहीं आपको दोनों अन्य प्रोडक्ट में डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलता है। डिस्प्ले की बात तो हमने की ही थी, तीनों फुल HD रेजोल्यूशन वाला आपको इसका मिलता है, और 2 जो फोन है वो है 4G, और 1 जो फ़ोन है इन्फिनिक्स वो है 5G। वैसे तो हमारा ये जो वीडियो है ये कैमरा क्वालिटी पे था, तो आप देख सकते हैं कि तीनों में आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है। तो अगर आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी चाहिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये 3 फ़ोन सजेस्ट करते हैं। आप अपने बजट के अनुरूप तीनों में से कोई एक फ़ोन लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो आपका देखने के लिए, और इसी तरह के भी अन्य वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।